साफ मैं चर्चा महीने से मेरे भाई ने कई नारे लगा दिए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें करोड़पति बना दे। ट्रॉफी रख लो सर पे यार। हम लोग आमीन कहने में भी कुछ सोच रहे हैं, कहीं हम आमीन कह दें और ये बन गए तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं होगा, अगर ये बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी इनके पैसे से मदीना शरीफ चले जाएंगे। ये महिला बहुत खामोश है। मैं एक शेर नज़र करता हूँ गरीब नवाज हिंदी के नाम से। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं और ख्वाजा से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। पूरा मजमा ख्वाजा के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह, और जिंदा दिलों कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बाप माँ को सताना, उन पे उंगली उठाना, उनकी अजमत घटाना बुरी बात है। और जोगी जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, और जोगी जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, और मुझको कलमा पढ़ा दो ना ख्वाजा पिया, मुझको कलमा पढ़ा दो ना ख्वाजा पिया। जोगी जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दो ना ख्वाजा पिया, सबको कलमा पढ़ा दो ना ख्वाजा पिया। के जोगी जयपाल ख्वाजा पढ़ा तो ख्वाजा पिया, के तू है रब का वली और तेरे सामने, तू है रब का वली और तेरे सामने, और मेरा जादू चलाना बुरी है, तू है रब का वली। अफसोस है, अफसोस है, टोपी लगा ली है भाई, टोपी लग गई। अच्छा जो शरिया था, जो शरिया हमने टोपी बांध ली है, अब इंशाल्लाह कभी खुलने नहीं देंगे। आप लोग तो सब टोपी वाले हैं, मगर टोपी के नारे लगा रहे थे, कम से कम टोपी वालों को होना चाहिए कि वो ग्राहक अदा कर देते। बार कह मुझे कोई शिकवा नहीं, जलसा आपका है, बस्ती आपकी, आप जिस तरह से चाहे समाप्त कर सकते हैं। बस एक शेर सुन लीजिए बारगाह आला हजरत में, एक शेर मेहनत करता हूँ उलमा इकराम की दुआओं के साथ मुलादा फरमाए। पूरा मजमा आला हजरत की मोहब्बत में झूम कर कहते सुभान अल्लाह। पाल की रोक लो बोले अहमद रजा, पाल की रोक लो बोले मेरे
जान लो मर कपा क्या है सादात का, जान लो मर कपा क्या है सादात का, पाल की रोक लो बोल मेरे रजा, और पाल की रोक लो बोल सबके रजा, जान लो मर कपा क्या है सादात का, जान लो मर कपा क्या है सादात का, के पाल की रोक लो के मखदूम है, और इनको खादिम बनाना बुरी बात है, आल पाक के नबी। बोलो बोलो यार, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आल पाक के नबी मेरे मखदूम और इनको खादिम बनाना, सब लोग इकरार कर लें, इनको खादिम बनाना, अपने जैसा बताना, उन पे उंगली उठाना, बुरी बात रात, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, आप बैठे रहिएगा। मनाजिर अहल सुन्नत हाफिज हदीसे कसीरा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब की कुछ ही देर में आमद आमद होने वाली है। सुभानअल्लाह नहीं बोलेंगे आप, और जोर से बोलिए ना, माशाअल्लाह। सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम इस्लाम निजामी साहब को आपने बहुत अच्छा सुना, और ये मुकम्मल इंशाअल्लाह बाद में सुनाएंगे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जो लोग अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, वो हुसैन जिसने इस्लाम के लिए अपने खानदान को दे दिया, वो हुसैन जिसने मजहब इस्लाम के लिए अब्बास के फाजू दे दिए, वो हुसैन जिसने इस्लाम के लिए 6 माह का बच्चा दे दिया, वो हुसैन जिसने 18 साल की जवानी दे दी, वो हुसैन जिसने इस्लाम के लिए अपना सर दे दिया। कसम अल्लाह की मैं तो कहता हूँ, जो हुसैन का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार। बोलो जोर से बोलो, इतने लोग यहाँ है, इतना मजमा है। बस्तनवा वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत कीमती पिंडाल लगाया, बहुत अच्छे उलमा का इंतखाब किया, माशाल्लाह एक ही कमेटी वाला आया, बहुत अच्छे पिंडाल का इंतजाम किया, एहतिमाम किया, उलमा का इंतखाब किया, एक ही कमेटी वाला हम तक आया, कहाँ हैं सारे कमेटी वाले। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो कसम अल्लाह की एक एक आला हजरत का दीवाना बोलेगा, मुझे यकीन है। अरे माशाल्लाह, और कहाँ हैं सारे लोग, एक एक करके आओगे, आपका भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, सवाब हमें भी मिलेगा। इसी तरीके से मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, अरे मुस्कुराना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। मेरा लो से बोलो सुभान अल्लाह, भी बोले ये सब हमारे बड़े हैं, इनके
कदमों की खाक को चूमता हूँ, इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाता हूँ। मेंबर साबिर भाई, आप बंबई गए थे, मुझे पता, बड़ी मेहनत करते हैं आप, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। मेंबर पे बैठने वाले थोड़ा सा साथ दे दे, अरे मैं तो चला जाऊंगा, अगर इनकी दुआ मिल गई तो कसम खुदा की मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊंगा और मरने के बाद भी कामयाब हो जाऊंगा। मुझे यकीन है अब ये भी बोलेंगे, दुआओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस दुआएं दे दे। इस शेर के साथ सुन्नी खामोश नहीं रह सकता, इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। आला हजरत के नाम से जालिमों के पेटों में दर्द होने लगता है। चादरें चढ़ाते हो ना, आला हजरत की मेहनत का नतीजा है ये न्याजो नज़्र साफ। आला हजरत का सच्चा है, वरना नदवा से आवाज आई फातिहा तिलाना ना जाए। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा सासो आवाज आई फातिहा तिलाना ना जाए, चादर चढ़ाना नाजायज। दुनिया के मुफ्ती खामोश थे, नकी अली का बेटा रजा खामोश, रजा इमाम अहमद रजा टूटी हुई चटाई पे बैठ के बोला, चादर चढ़ाना भी जायज, फातिहा दिलाना भी जायज। रजो से बोलो, अब शेर सुनो, अगर नारा नहीं लगाया ना तो समझ लीजिए मैं क्या कर सकता हूँ आपका, मैं मेहमान हूँ आपका। अगर नारा लगा दिया तो दुआएं देकर जाऊंगा, इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। मसलके अब आ रहा है शेर, मसलके मसलके अहमद रजा से जो भी रखते हैं जलाबू, मसलके अहमद रजा से जो भी रखते हैं जलाबू, बीच चौराहे पे उनको मार देना चाहिए, बीच चौराहे पे उनको मार देना चाहिए। एक ही आला हजरत का दीवाना है, इधर से भी खड़े हो जाएगा। अरे आला हजरत देख रहे हैं सबको, खड़े होके कोई नारा लगा दे इधर से, आला हजरत का दीवाना, पीछे से भी खड़ा हो जाए आला हजरत का दीवाना। मुझे यकीन है बरेली से गरम आ रहा है, कोई खड़ा हो जाए आला हजरत का दीवाना पीछे से। अरे माशाल्लाह, अब सब भी के नारे का जवाब दे। इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। मसलके अहमद रजा से जो भी रखते हैं चला, बीच चौराहे पे उनको मार देना चाहिए। आइए बहुत तेजी के साथ उस्ताद उलमा।